सोनिया गांधी जी अगर राज्यसभा में आती हैं तो राजस्थान से आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। सोनिया गांधी जी का और राजस्थान की जनता बहुत बहुत स्वागत करती है। हम कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में गुस्सा है क्योंकि सोनिया गांधी जी का राजस्थान रिश्ता जो है बहुत पुराना है। लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि वो राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। लेकिन राज्यसभा से नामांकन दायर करने के एक ही दिन बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के लिए एक भावुक चिट्ठी लिखी है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद ही अहम मानी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दशकों से हाशिए पर है लेकिन रायबरेली से उनका रिश्ता पीढ़ियों पुराना है और अब रायबरेली की जनता के लिए सोनिया की ये चिट्ठी बेहद ही अहम है। सोनिया गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। साथ ही सोनिया ने रायबरेली की जनता को धन्यवाद भी दिया है और उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में ये संदेश दिया है कि उनका रायबरेली से जुड़ाव खत्म नहीं हो रहा है और आगे भी गांधी परिवार से कोई सदस्य इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोनिया ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा क्या है। तो आपको बताते हैं कि सोनिया ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। जब मैं अपने पति और सास को खोने के बाद रायबरेली आई थी तो लोगों ने मुझे कैसे गले लगाया था। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये स्नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से ये मुझे शगुन की तरह मिल रहा है। सोनिया गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में आगे लिखा है कि रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्ते की जड़ बहुत गहरी है। आजादी के बाद लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। इसके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किलों भरी राहत पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे चलने के लिए जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले दो चुनावों में विषम परिस्थितियों में आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मैं यह कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। आपको बता दें कि 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सोनिया ने अमेठी से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद 2004 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीती। सोनिया गांधी कुल 5 बार सांसद बन चुकी है। सोनिया 2009, 2014 और 2019 से रायबरेली चुनाव जीती थी। उसके बाद अब वो पहली बार राज्यसभा जा रही हैं और अब इंदिरा गांधी के बाद राज्यसभा जाने वाली सोनिया गांधी परिवार की दूसरी सदस्य बन गई हैं।